हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है तेरी मिट्टी और चैनल पर। गाइस देखो, आज की वीडियो काफी स्पेशल है। क्यों? वाइफूस। यस, देखने का मन करने लगा ना। किसको वाइफू पसंद नहीं? न्यू व्यूअर्स को वाइफू पसंद है, पुराने व्यूअर्स को वाइफू पसंद है, मुझे वाइफू पसंद है। और वाइफू एक ऐसी चीज है जो सबको पसंद है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखो, मतलब देख लो ना यार, ब्राउजर खोल के इंताई देखने के प्लान है। और अपने फ्रेंड को ये वीडियो शेयर कर दो। और आपकी कौन सी फेवरेट वाइफू है कमेंट में स्पैम करो। ओके, तो बिना आपका इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट किए वीडियो छोड़ता हूं। बात करते हैं नंबर 10। नंबर 10 पे रम और रैम, ये री जीरो वर्ल्ड से बिलोंग करती है। अगर आपने री जीरो एने में नहीं देखा तो जाओ और देखो म्यूजिक के ऊपर। मैं अभी एने में देखना स्टार्ट किया, तो काफी कूल एने में है। और पहली चीज, ये दोनों बेसिकली ह्यूमन दिखे, स्पॉयलर अलर्ट, ये दोनों बेसिकली देखने में भले ह्यूमन लगे भले डीमन से। और हमेशा ये मेड ड्रेस में रहती है। मेड ड्रेस का नाम सुना तो रुक गए है कि नहीं। और अब बात करते हैं नंबर 9, रूका चान फ्रॉम रेंट अ गर्लफ्रेंड। रूका चान में एक वो बहुत सारी काफी क्वालिटी है जो उसको वाइफ को पीस बनाती है। देखो, तुम लोग बोलोगे मिजुहारा क्यों नहीं। देखो, मिजुहारा का कैरेक्टर मुझे आज तक कुछ भी समझ में नहीं आया। उल्टा रूका चान जो कि काजुया का अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है और उससे खुद आके पूछे कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, ऐसा हम लोंडो के साथ क्यों नहीं होता। नहीं, ये दर्द है मेरे अंदर का, पता है, ये दर्द है मेरे अंदर का। ओके, सॉरी, इमोशनल हो गया। और नंबर 8 पे है चिका फुजीवारा फ्रॉम कागुया सामा लव इज वॉर। देखो, बेसिकली चिका और शिनमिया के बीच में हम लोगों ने बैटल की थी। यस, मैं और मेरा दोस्त कारा ने दरअसल फ्लिपो कॉइन किया था, गूगल का फ्लिपो कॉइन खोला और किया, तो चिका फुजीवारा जीत गई। तो चिका फुजीवारा भी एक वाइफ भी थी, क्योंकि वो शाय और दिखती भी अच्छी है बेसिकली देखा जाए तो, है कि नहीं। और इसका कैरेक्टर तो थोड़ा सा डिफरेंस सा लगता है। ओके, और नंबर 7 पे है नामी फ्रॉम वन पीस। देखो, वन पीस फैंस, यस, तुम लोग गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं। मैं हैनकॉक को ऐड करना चाह रहा था, बट बेसिकली मैंने एंड में सोचा क्यों ना एक एनिमे यूनिवर्स से सिर्फ एक ही को लिया जाए और हो सके तो पार्ट 2 बना के उसमें हैनकॉक को दिया जाए। ओके, तो तुम्हें गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं, हैनकॉक भी एक वाइफू पीस है, बट मैंने इस वीडियो में अभी नामी को लिया है। तो अगले वीडियो में आप देख सकते हो हैनकॉक को, तो लाइक करो। और योर फॉर्जर फ्रॉम स्पाइक फैमिली। योर फॉर्जर किसको पसंद नहीं? देखो, योर फॉर्जर फिलहाल में आई है लेकिन ये वाइफू बन गई। क्यों? क्योंकि देखो, पहली चीज, इसमें वाइफू के क्या पीसेस है, ये शाय है, काफ़ी कुछ कर सकती है। उल्टा ये एसेशन है तो लोगों को मारती है, लोगों को मारने से पहले बोलती है क्या मैं आपको मारने का हॉनर ले सकती हूँ, कम ऑन यार। और इसको खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। यस, अगर तुमने इसका खाना खाया तो तुम मरने की उम्मीद करना चाहोगे। ओके, और अब बात करते हैं कॉन्ट्रोवर्शियल वाइफू, डार्कनेस। यस, तुम लोग मुझ पर गुस्सा होगे, हो जाओ, वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे मैंने और मेरे दोस्त ने, पता है, इसको चुनने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। पता है क्यों? क्योंकि पहले मैंने मेगुमी एक्वा में कंपटीशन किया, फिर मेगुमी जीत गई, फिर मेगुमी और डार्कनेस में हमने कंपटीशन किया तो डार्कनेस जीत गई। ओके, तो आप इसमें मेरी गलती नहीं, और फ्लिपा कॉइन को जाके दोष दीजिए। ओके, और अब बात करते हैं डोंट टॉय विथ मिस नागाटोरो, यानी कि मिस नागाटोरो के बारे में हम कैसे भूल सकते हैं। मिस नागाटोरो एक वाइफू है। देखो, बेसिकली इसके बारे में जितना बोलो कम है। मैं एक वीव होने के नाते से बोल रहा हूँ, वाइफू रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट क्यों नहीं करती भाई, क्यों नहीं करती एक्सिस्ट? हमने किया क्या ऐसा पाप, क्या किया है? तो हमें उस वर्ल्ड में भेज दो प्लीज़। ओके, भेज दो प्लीज़। और बात करते हैं मरियाना कातावागा फ्रॉम माई ड्रेसअप डार्लिंग। माई ड्रेसअप डार्लिंग, अगर आप एक एनीमे लवर हो तो ये आपकी टाइप की लड़की है। पहली चीज़, इसको कॉस्प्ले करना पसंद है, एनीमे देखना पसंद है और ये एक तरीके से वीब है तो यार। और बेसिकली इसकी पूरी सीरीज इसके कॉस्प्ले पे ही डिपेंड है, तो आप जाओ इसको ट्राई करो, क्रंचीरोल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। और अब बात करते हैं सेकेंड नंबर की वाइफू, जो है 02 फ्रॉम डार्लिंग इन द फैनिक्स। डार्लिंग इन द फैनिक्स काफी कूल एनीमे, अगर आप देखना चाहो तो क्रंचीरोल के ऊपर जाकर देख सकते हो या फिर जो भी प्लेटफॉर्म आपको कंफर्टेबल लगे। बट इन माय ओपिनियन डार्लिंग इन द फैनिक्स 02 इसलिए क्योंकि यार 02 एक वर्ल्ड वाइड सेकेंड नंबर फेवरेट वाइफू है। देखो, तुम्हें हिट देने की जरूरत थी, 02 एक बहुत कूल कैरेक्टर है, बट उसको मैंने इसमें सेकेंड रखा हुआ है। मैंने नहीं, ये काफी सारे एनीमे व्यूअर्स ने रखा। और फर्स्ट नंबर पे माई फ्रॉम बनी गर्ल सेंपाई। माई इसलिए क्योंकि देखो, माई एक वाइफू पीस है। ओके, और इसमें इतनी कई सारी खूबी है और ये मेरी भी फेवरेट है। ओके, सुनो 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 सुनो, देखो तुम्हें कमेंट में हेट देने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम लोगों ने इस वीडियो को अच्छे व्यूज दे दिए और अच्छे लाइक कर दिए, मान लो अगर तुमने इस वीडियो को 200 लाइक कर दी जो कि हमारे चैनल की सबसे मोस्ट लाइक वीडियो बन जाएगी, तो मैं इसका सेकेंड पार्ट में वो हर वाइफू कवर करूंगा जो मैंने इसमें छोड़ दिया। ओके, प्लीज हेट देने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए एनीमे न्यूज़ और एनीमे से रिलेटेड तो सब्सक्राइब करो। ओके, हम लोग 450 सब्सक्राइब करने की बहुत ज़्यादा करीब है, मान लो रेस स्टार्ट हो गई है, हमें कंप्लीट करने ही है। और अपने सभी फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दो। देखो, शेयर करने में कुछ नहीं जाता, लाइक करने में कुछ नहीं जाता, लेकिन तब भी पता नहीं क्यों लोग इतने कंजूस बनते हैं जो किसी की हेल्प नहीं कर सकते। और अगर सेकेंड पार्ट चाहिए तो हर एक बंदा जो भी इस वीडियो को देख रहा है सिर्फ एक कमेंट करेगा कि हमें सेकेंड पार्ट चाहिए या फिर किस टॉपिक के ऊपर आपको पार्ट चाहिए, तो कमेंट करो। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही।